नसीर दे कपड़े भी लैके आने नी हड्डियां जुतियां भी लैके आनियां नी इहनू इह ना लगे कि मैं जिदा मेरे नाल प्यार कोई नहीं करदा हे सिख पुत्रां दी किवें फिर आनी किवें आँदी होनी मेरे साइया आजा फिर बगैर माँ उदास हो गई फिर बगैर तेरा वीर प्यार आंदा है फिर बगैर तेरा बाबा नसीर प्यार आंदा है तेरा मामू प्यार आंदा है रो रो के आंदा एक बारी वेड़े आजा मैं सिख पुत्रां दी सियाने सांदे ने माम रहते हे माप मुकदे हे बलोचनी आलियो माम रहते हे माप मुकदे हाथा वीर मर बेड़ा वेला है बाप मरण ते नसीर सा मैनू ईमानदारी ना दसिया ने अज बड़िया दौलत आईया होनिया ने अज बड़ा माल आया होना है अज वेड़े पियो कोई नहीं अज वेड़े बाप कोई नहीं है बाप मर है ते मोहम्मद बख्शा ते उजड़ जांदा जे ओए हाय ते उजड़ जांदा जे मेला हाथ बन लिया जे अखिया जे कमली वालिया ना सानू रोजियां ते माने हजूर ना नमाजा ते माने हजूर ना ज़कातां ते माने हजूर ना ताड़ियां ते माने हजूर ना मिलादां ते माने इक ईमान रख के अजी बलोचनी आले रो रो के आंदे ने सदा वसदा रबे तेरा गवारा या नबी नो आवाज दियो ते आखो याद तेरी दा नदीवा बानिया याद तेरी दा नदीवा बानिया आमी जा याद तेरी दा नदीवा बालिया की पियानिया आमी जा आमी जा बल्ले नज़र माशाल्लाह आज दी ये बड़ी खूबसूरत बज़्मे पाक भाई नसीर साहब थोड़ा की ना है भाई सेल साहब जिन्होंने अज की बजम सजाया बानिया ने महफल राणा मुहम्मद शबीर साहब राणा मुहम्मद इलिया साहब राणा मुहम्मद रिया साहब बशारत साहब राशद साहब होर भी जिन्हें इंतजामिया ने उमर फरूक सदाकत जवेद नवाज़ साहब तनवीर साहब सुहेल साहब अल्लाह सब दा यह महफल सजाना अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल फरमाए माशाल्लाह इस घर की यह बड़ी खुशबख्ती है और बड़ी खुशनसीबी है कि इन्होंने नबी पाक का मिलाद हर साल अपने घर सजाते हैं।
माशाला जी मुबारकबाद मुस्तक ने सहेल साहब नसीर साहब अल्लाह थोड़ा वेड़ा वसदा रवे तो मैनू खुशी भी हुई एक तो एक सदमा भी पहुँचया खुशी तो नबी पाक दे मिलाद दी है और सदमा ही पहुँचया कि नसीर साहब के बेटे सन जड़े दुनिया तो चले गए ने तो मैनू सहेल भाई दस रहे सन बुजुर्ग मैनू दसते पे सन कि वो बच्चे का थोड़ा जेहन सी इस तरह लेकिन वह थोड़िया तकरीर बड़िया सुनता सी वेखो ये मेरा कमाल नहीं ये जहरा दे बाबे का कमाल है नसीर साहब की जे पता वो थोड़ी बख्शे का जरिया बन गया हो तो कोई पता नहीं उसकी माँ भी बैठी है उसदियां पुफियां भी आईया ने चाचियां ताईया सारिया बैठिया ने वह भी सुन दियां पईयां ने बाबा जी कई कई वेले इस तरह होंदा है कि बंदा समझदा वे हो सकता मेरा नुकसान होया पर हो सकता जो अल्लाह नूं किड्डा सोहना लगता सी अल्लाह नसीर साहब थोड़े आंसू कबूल फरमाए रब्बे काबा की कसम यह वीडियो बन रही मैनू सहेल साहब ने कहा सियालकोटों आए ने पूरी दुनिया से लाइव चलेगी और सऊदीया तक यूरोप तक कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं जिथे वीडियो ना विखाई जाती हो जिथे ना वेखन तो मैं जो इन्हें मैंने कहा मैं अजमत वालदैन पढ़नी है तो नाल बेटे की शान भी पढ़ाँगा इंशाला तो दुआ करा वो थोड़ा जो सीधा साधा पुत्र से अल्लाह वह सदका पूरी महफल की बख्शिश फरमाए मैनू सहेल कह दिया फोन पर कि कारी साहब वो थोड़े ना बड़ा प्यार करता सी चाचा ना उहदा मामा उहदा तो इधर मेरे वल तवज्जो फरमाया जे दुखीए की गल दुखिया जाने तो सुखीए नू की खबर जिन्हों सदमा होया होवे ना बाबा जी वह जानता है रब्बी काबा की इज्जत की कसम उठा के आना अड्डा बलोचनिया लियो तुहानू पता है चौथी पंजवीं मेरी हाजरी है थोड़े इलाके के अंदर तो मैं सहेल साहब ने इनकार नहीं कर सकया बड़ी मुहब्बत करता मेरे नाल तो मैं खैर जी जरूर पहुँचागा मैं अपने टाइम तो पूरे 8 बजे इतने पहुँच गया सा मैं ये गल चाहना वा कि इस घर के मिलाद होंदा है तो अगले साल इस तू वड्डा होवे लंगर भी इस तू ज़्यादा पके तो दुनिया भी इस तू ज़्यादा आवे क्यों मुस्तफा का लंगर ना घटदा है तो ना खाने वाले घटते ने लंगर भी आल है तो खाने वाले भी आल ने इधर तवज्जो करो मैं एक गल मिलाद शरीफ की करनी है तो उस तू फौरन बाद एक गल माँ की करनी है तो एक बेटे की करनी है तो एक गल बाप की करनी है चार गल्लां करनियां ने तो उस तो बाद मेरी इजाजत तुसी जुमले तवज्जो ना समाद फरमाया जे बाबा जी बंदा महफल में अंदरों आया होवे ना तो जो उठन तो पहला मदीने वाला नजरे करम ना करे तो गल करे जे माशाला इकराम साउंड सिस्टम खूबसूरत अंदाज दे नाल चला रहे ने और उम्मीद है कि अगों भी खूबसूरत अंदाज नाल ऑपरेट करनगे अल्लाह मजीद बरकतां अता फरमाए गल शुरू हो गई मेरे तो कबल अलामा साहब बड़ी खूबसूरत हाजिरी पेश कर रहे सन ये भी अपने सज्जन ने ते दोस्त ने माशाला इन्हां दी भी बड़ी मेहरबानी है कि जो ही मैं आया तो इन्हां ने तकरीर वाइंड अप कर दी जी है इन्हां दी मेहरबानी नहीं तो तुहानूं पता मौलवी लगे छड़दे जे मैं गल सची पे करना मेरा सलाम है इन्होंने किबला नहीं तो मौलवी आते जी मैं बस आखिरी गल कर लगा वो आखिरी गल भी घंटे की होंगी तो इन्हों की मेहरबानी है जरा नवाजी है अल्लाह मजीद इलम अंदर अमल अंदर बरकतां अता फरमाए बाबा जी नबी पाक दे मिलाद विच हर बंदा नहीं जिउंदा यह पूरा बलोचनी वसदा पिया ना इन्हें ऐलान भी कराए फ्लैक्स भी लाए सारा कुछ लाया मैनू बंदे आते नहीं जी बंदे आते क्यों नहीं मैं क्या बंदे आन किवें बंदे उदों आते नहीं जिन्होंने सोना बुलावे महफल में आंदा ही हो जिन्होंने सोहना बुलावे जिदे तो सोहना नजरे करम करे वो आ जाता है फिर बाबा जी वेखो सारी जिंदगी बंद सुन बंद सुबह काम ना करिए मैं क्या नबी दे जिक्र तो अगे तेनों काम है सारी जिंदगी कमाना ही है सारी जिंदगी बाबा जी सड़कों पर खज्जल होना है ना सारी जिंदगी तो जे एक रात सोने के नाल आ जाए हो सकता है रात ही तेरे काम आ जाए कबर में भी काम आ जाए हशर में भी काम आ जाए ऐ मेरे वाल तक्यो मैं मिलाद की गल करनी है ते बड़ी वड्डी गल है इंडिया दे शहर है दिल्ली शहर है मेरे वल तवज्जो करियो दिल्ली मकतबा फिकर दे मकतबे दे अंदर किताब छुपी किताब दा नाम है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताब लिखने वाला राइटर कौन है डॉक्टर गुलाम मुस्तफा दानिशवी आपने किताब लिखी है दिल्ली दे मकतबे दे छकी किताब है इंडिया दे मकतबे दी उस दे अंदर एक उन्हें मिलाद का वाकया लिखिया तो मेरे वाल तवज्जो करो थोड़ी मुहब्बत मैं इतों ही वेख लैनी है
बाबा जी जुमले सुने जे उन्हें एक बड़ा प्यारा वाकया लिखिया। उन्हें क्या बगदाद का शहर है जेड़ा गौस बाग ना प्यार कर दे। एक बारी बोले सुभान अल्लाह। ऐ पिछले भी जरा हाथ चौके बोलिया जे सुभान अल्लाह। बगदाद का शहर है। गल शुरू हो गई जी, तकरीर शुरू हो गई, हुण तुसी तवज्जो फरमाया जे। बगदाद का शहर है। बगदाद के गवर्नर हाउस के अंदर नबी पाक के मिलाद की महफिल सजी। गवर्नर बगदाद ने महफिल सजाई ते जेरे सदारत सी हजरत अब्दुल कादर जिलानी दी, महबूबे सुबहानी दी। ए नसीर साहब सेल साहब गल शुरू हो गई, वीडियो बन रही है, अगे तो नहीं बनी है, ए महफिल थोड़ी पूरी दुनिया वेखेगी और मेरे वल तवज्जो फरमाया जे। गल वड्डी है, महफिल सज गई। जदों ऐलान होया ना बगदाद दी गलियां, वेखो इन्हां भी तो ऐलान किया ना, तो तुसी लोग आए हो, तुहाडी मेहरबानी है, जिहड़े आए हो तुहाडी मेहरबानी जी। अज वक्त कोई नहीं किसे कोल, जिहड़ा कोई बुलाया आ जाए उहदी मेहरबानी हुंदी। वो बाबा जी ऐलान होया कि गवर्नर हाउस के अंदर नबी पाक के मिलाद की महफल है, तो सारे आओ। वह खबर चलती चलती बगदाद की एक गली में एक माँ तो एक बेटी सी। डॉक्टर साहब लिखते हैं गल अंदरों सुनी, जब मैं तेरे सीने तो सट ना मार के गया तो गल करी। वह खबर चलती 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 उस माँ को पहुँच गई। वह माँ किसी का काम करके घर आई, बर्तन धो के, उन्हें कहा धीए जल्दी जल्दी काम मुका लै, कितने जाना वे, जिन्हें नबी की महफल में जाना हो काम जल्दी मुका लेंगे। तो जेड़ा आंदा मेरा काम ही नहीं मुकया, तेरा तो मरण वेले काम मुकना ही। फिर जो बंदे ने मर जाना ना फिर काम मुकने, जो उस तो पहला काम मुक सकते, मैं रब्बे काबा की कसम ना नहीं मुक सकते बाबा। यह काम इंज ही चलते रहने ने, असी ना भी रहे तो फिर भी पिछू ये काम निजाम इंज ही चलता रहना, मेरे वाल तवज्जो फरमा जे। उन्हें कहा धीए काम मुका, असा कितने जाना। धी ने आख्या अम्मा बड़ी जल्दी हूने तू आई है, तू हूने कहनी पी। तो उन्हें कहा पुत धीए जल्दी कर, तो जेडे कपड़े सोहने नहीं ना वह भी तैयार कर लै। अम्मा कितने खास जगह पर जाना ही, ऐदा तवज्जो फरमाया जे, किसी खास जगह पर जाने। माँ ने आख्या हाँ खास जगह पर जाना है। अम्मा कितने जाने ही, उन्हें कहा तू नहीं ऐलान सुनया। उन्हें कहा अम्मा मैं नहीं सुनया। उन्हें कहा यह गवर्नर हाउस में साढ़े नबी का मिलाद सजिया हुआ है। क्या बात है तुहाडी जनाब, क्या बात है, जुमले सुने जे, साढ़े नबी का, साढ़े नबी का इतने सुनी बलोचनी आ लिया। बड़े मौलवी खतीब सुने, अज गौसे पाक के गदागर सुन जाई। वो दो भी तैयार हुई, तवज्जो करे, तैयार हुई, कपड़े पाए, जल्दी जल्दी बर्तन धोते, साफ किए। बाबा जी जो गवर्नर हाउस के दरवाजे अगे पहुंचिया ना, अगे गार्ड खड़ा सी। अम्मा किधर, उन्हें कहा पुत्र महफल है। उन्हें कहा अम्मा तू तो नहीं जा सकती। उन्हें कहा पुत्र खैर है, नाले लान करवा दे ना ले आंदे। अम्मा इतने खास लोग आने ने, तुहानू पता होवे ना, जो साड़ी हुकूमत भी महफल करवा दी, उत्थे खास गवर्नर मशीर वड्डे वड्डे साढ़े जे बंदे तो अगले अंदर नहीं वड़न देंदे। मैं गल सच्ची पे कर, उन्हें कहा इतने वड्डे वड्डे बंदे आने ने, इतने छोटिया बंदियां दा ते बंदियां दा काम कोई नहीं, तू अपने घर टुर जा। उन्हें आख्या पुत्र मैनू जान दे, मैं जुतियां वाली जगह ते बह जावांगी। हाय 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 जी बलोचनी आ लिया, इतने इतने दिल अपने वाल वेखी, तो इश्क वेखी अपना तेरे अंदर, इश्क की शमा किन्नी रोशन है। अम्मा घर जा, उन्हें कहा मैंने जान दे जुतियां वाली जगह पर बह जावगी, मैं किसी ना गल नहीं करांगी, सोने दी नातं सुनांगी, तो मेरी धी ने भी बड़ा शौक है महफलों का, तो यह भी सुनेगी, तो आ जावा, असं किसी ना गल नहीं कर दियाँ, असी मंगण वाली नहीं, असी नबी दियाँ गुलामा वाँ, असी नबी दियाँ नौकरा वा। मैं एक मिलाद की गल करनी, उस तो बाद माँ बाप की शान जुमले सुनियो बाबा। वो गार्ड ने आख्या मैनू इजाजत नहीं, अम्मा मेहरबानी तेरी तंग ना कर, घर टुर जा। बलोचनी आ लिया, तवज्जो करी मेरे वाल। वो माँ तो धी जो वापस चले तो धी आख लगी अम्मा तू तो सुबह का रौला पाया सी जाना महफल दे, तो वड़न अगलिया तेन दिता नहीं। तो माँ की अखा में अथरू आ गए। उन्हें कहा धीए चल घर चलीए। अम्मा खैर है, जो बाबा जी इशाद बाद का वेला होया ना, तो माँ मुसला पा लिया, तो धी ने आख्या धीए कपड़े ना लाई, इन्हों कपड़िया में खुशबू ला के बह जाइए। अम्मा इतने की है, अम्मा दी की होया जी, उन्हें सानू वड़न नहीं दिता, साडा नबी इतने भी सुन लैंदा है। गज के एक बारी सज्जा हाथ बुलंद करके आख सुभान अल्लाह, एक बारी फिर चुके आख सुभान अल्लाह। बाबा जी जुमले समाध करे आजे, जो इनी गल की ना इतने जुमले सुने आजे। बाबा जी जो अद्धी रात वे लाए आए, बेटी ना तो भी पढ़ती है, मां भी सुन दी जी, अदा बलोचनी बिच बैठ आ लिया जुमले सुन जाया, कभी मां पढ़ती है, कभी धी सुनती है, कभी धी पढ़ती है मां सुनती है, कभी मां पढ़ती है धी सुनती है। हजरा जुमले समाधि करया, कभी मां नाता पढ़ती है, कभी बेटी भी सुनती है, कभी बेटी नाता पढ़ती है, कभी मां भी सुनती है। बाबा जी दो मां ते धी बैठ
पढ़ी जा रही ने, नबी दी हमद सना करी जा रही ने, कभी माया दी तेरा खामा जिदा सच्चा हाथ सलामत है। एक बारी चुप के सुल्तानी ना गवाई दियो तेरा बलोचड़ी नूं दसी आ रही तेरा खामा तेरे में गी ते गावाया रसोल्ला। बाबा जी बड़ी मेहरबानी, सुहेल साहब तुसां भी हाथ चुकना है, मेरे नाल मिलके आखना है तेरा खामा गावाया। मेहरबानी जनाब जुमने सुनिया रे, हे मां भी आखरी है तेरा मिला ते मैं क्यों ना तेरा तेरा मिला कि मैं क्यों ना मनावाया रसूलल्ला। तेरा मिला अज राणा सुहेल कह रहा है, अज राणा नसीर कह रहा है तेरा मिला तेरा मिला कि मैं क्यों ना मनावाया। ना ना बलोचनी आले जे रोंद नहीं मारना, अज सुल्तानी नाल मिलके मैं अगला शेर तोड़ी मोहब्बत वास्ते देन लगा। अम्मा कहंदी है रोगे सजी है, हज यार भी आए नी, हज रिश्तेदार भी आए नी, हज पिंड वाले भी आए नी, हज तलक वाले भी आए नी, इस महां दे वेड़े कोई नहीं आया, इस महाबुढ़ी दे वेड़े कोई नहीं आया। एक माँ है एक बेटी है जड़ी कभी माँ रोंदी है कभी बेटी रोंदी है। सुनो सुनो मेहरबानी, कभी बेटी रोंदी है कभी माँ रोंदी है। रो रो के आंदियां ने कमली वालिया, क्या बात है कमली वालिया, लजपाला साडे वेड़े आ जा साडी कच्ची जी खुली विच यार। कभी माँ आंदी नी पिए उस नबी नू आवाज मारनी है, उस नबी नू आवाज मारनी है, आवाज मार के की आखना है तो बलोचनी आ लो मेरे नाल पढ़ो पता नहीं सोना आ जाए, पता नहीं सहारा दा बाबा इथे आ जाए, नसीर तेरे वेड़े रहमत आ जाए, सुहेल तेरे वेड़े करम आ जाए, तेरे वेड़े फजल आ जाए। फिर मिल के अखियां री कदी गरीबा ते मोहल्ले
कदी आओ गरीबां दे बोलो असी सारे गरीबां हजूर दे गदागार हां हजूर दे मंगते हां ए मेरे वल तकियो जी कदी मां ना तां भी पढ़दी है कदी प्यो ना तां कदी धी भी ना तां पढ़दी है ते ना तां पढ़दी पढ़दी की आंदी है सुन एक बारी आ जा राणा साहब तुहाडी भी दिल की तमन्ना तुहाडे घर वालियां दे दिल की तमन्ना सुने हर साल महफल सजाने कदी तो साल आवेगा जद तू आवेगा क्या बात है तुहाडी कदी तो साल आवेगा कदी तो दिन आवेगा जदों सोणिया तू आवेगा जदों कमली वालिया तू आवेगा राणा बरादरा ने इत्थे जुमले सुने जे तुहाडे मजमे दियां अखां ना नम होईयां तां गल करिया जे अद्धी रात दा वेला मेरे वल तकियो कदी मां भी आवाज़ां मार दईए ते कदी धी भी आवाज़ां मार दईए कदी मां हथ बन के सुन दईए कदी बेटी हथ बन के सुन दईए ते आंदी सोणिया आ जा हां तेरा की जांदा कमली वालिया जे उन्हें सानू अंदर जान नहीं दिता उन्हें सानू महफल विच जान नहीं दिता तो सोनिया तू ही आ जा कमली वालिया तू ही आ जा इत्थे बाबा जी जुमले सुने अड्डा बलोचनी विच बैन आ लियो जो इन्नी गल की ना अद्धी रात पई अद्धी बोलो अद्धी राणा साहब अज मैं थोड़े वेड़े बह के इस रात का तर्जमा मियाँ साहब को ना करवाव एक बारी गज के बोलो हाँ ए खड़ी दा ताजदार आजाद कश्मीर दा बेताज बादशाह नाए मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह वीडियो बन रही पूरी दुनिया सुन रही तवज्जो फरमाए दे मियाँ साहब नूं मैं अर्ज करना कदमां नूं हथ ला के हजूर ये रात ये भी है ते रात उस माई दी भी सी जिहड़ी बगदाद विच भी रोंदी सी कार महफल सजा के तीसरा बंदा कोई नहीं सी राणा साहब या बेटी सी ते या मां सी ते या बेटी सी मैं क्या मियाँ साहब इस रात का तर्जमा किवें पेश कर दियो ते खड़ी दा ताजदार बोलिया ते मेरे वल तवज्जो फरमाया जे रब्बे काबा दी इज्जत थले हो जाए सामने उठे ए छड़ दे मैं तैनूं इधर मेरे वल तवज्जो फरमाया जे रब्बे काबा दी इज्जत की कसम है जो अद्धी रात का वेला होया मेरे वल तवज्जो फरमाया ते मैं मियां साहब नूं आख्या तुसीं जरा तर्जमा पेश करिया जे ते बाबा जी खड़ी दे ताजदार मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कलमा उठाईए ते मियां साहब ने रात पवे बलोचनी वाली ओ रात पवे थिंबे गरीबानो है नींद प्यारी सुनो सुनो है रात पवे है लोको रात पवे थिंबे गरीबानो है नींद दरित मदानो सजना दरित मदानो याद सजन दी क्या बात तेरी क्या बात तेरी है दरित मदानो है दरित मदानो है दरित मदानो सजन दी सुखियाँ जगावे बाबा जी जुमले सुन जाया रे कदी महा पढ़दी है कदी धी रोंदी जे कदी महा रोंदी जे आंदी ए सोने आया जा कमली वाली आया जा मदीने भली आया जा तेरा जाना कुछ नहीं असा गरीबां दा कम बन जाना सोनिया तेरा जाना कुछ नहीं कमली वालिया तेरा जाना कुछ नहीं असा गरीबां दा काम बन जाना है असा मसकीनां दा काम बन जाना है इधर मेरे वल वेखियो जी अद्दा बलोचनी आलियो
रोजाना ने जो सरगी का वेला जो हजा दजाना ने बाबा जी जुमले सुनिया ने पुत्र ए बेटी ते मां नाता पिया पढ़दिया ने गली विचों हजूर को सिपाता गए क्या बात है क्या बात है इधर वेखियो इधर वेखो राणा साहब जो तहज्जुद का वेला होया ना तो गली विचों गौस पाक पे लंघदे ने महफल सजाई है ना अज पूरी दुनिया वेखेगी कि वाकई तू महफल सजाई है तो लोग बोले ने तेरे इलाके दे इधर सुनी बाबा गली विचों गौस पाक आ गए महफल उधर मुक गई गवर्नर हाउस चों मुरीद पीछे ने हजूर गौस पाक अगे अगे किबला जुमले सुनियो जू उस माई का दरवाजा आया ना बाबे ओ गरीब है सन पर आशक पक्के सन हाँ इत्थे कोठियां नाल गल नहीं बनती इत्थे गड्डियां नाल गल नहीं बनती इत्थे दिल दी प्रीत नाल गल बनती इत्थे सुनी हुण गल इश्क दे वेड़े बैठा है प्रीत दे वेड़े बैठा उन्हें सोने नूं बुलाया ते एडे दर्द नाल बुलाया एडे सोज नाल बुलाया ते बुला के की आखिया कमली वाले आ जा तुसी भी एक बारी आखो कमली वाले सोने लजबाला कोई पता नहीं जे बलोचनी आ लो किस वेले इधर नजरे करम हो जाए सोने की एक किस्मत दे सौदे जे अंदरों सुनियो बाबा वो गौस पाक गली दे विचों दी हाजी साहब गुजरते पे सन जो माई का वेड़ा आया ना इधर मेरे वाल वेखो सारे गौस पाक उत्थे रोक दे मुरीद आखन लगे हजूर खैर कोई कदमा विच कोई जख्म वगैरह तो नहीं असी चुक लीए फरमाया नहीं हजूर तुरदे क्यों नहीं फरमाया गा जाना ही नहीं क्या बात है तुहाडी यार बलोचनी आ लियो क्या बात है असा अगे इत्थे सुन जे तेरे सीने ते सुल्तानी सट ना मार के गया ते तां गल करी इंज गौस पाक बाबा जी इंज खड़े हो गए मुरीद पिछे हजूर की गल है आ फरमंद ने इस दरवाजे नूं खड़काओ अब मेरे वल तकिया जे अम्मा ते ती बह के पे रोंदे सन कि सोने जे उन्हें अंदर नहीं जान दिता ते तू ते आ सकना है ना जे असी नहीं तेरी महफल में जा सकते ते कमली वाले तू तो आ सकना ना तेरे होने में ते कमी कोई नहीं असी गंदे मंदरे हैं बाबा जी मेरे वल तवज्जो फरमा रहे ते बाबा जी माई भी रोंदी है रो रो के आंदी है मैं तो जी है मेरा दिल जुमले सुने ते मैं किवें यार मना हो ना मैं सोनी ते ना डंग भी नहीं हे वेड़े मेरे बाबा जी वेड़े मेरे हे बड़े ताना ही हे मैं लख वसीले हे मैं लख वसीले राणा नसीर साहब राणा सोहेल साहब एहो गल तुहाडी सुल्तानी दंगरदाए है वेड़े मेरे है वेड़े मेरे है वेड़े मेरे है वेड़े मेरे है बड़ी दाना ही के मैं लख वसीले हो डरी रैसी है मेरा काम मिल बाहो
इधर तवज्जो करो जी मेरे अल बलोचनी आलो हजूर गौस पाक आ गए हजूर गौस पाक आ गए तो हजूर गौस पाक ने फरमाया दरवाजा खड़काओ की करो उची बोलो की करो बाबा जुमले सुनी राणा साहब तेरी महफल मजमा लग गया लोग खड़े ने सुनन वास्ते इधर मेरे वाल जुमले सुनियो जिदू नबी पाक दियां नातां मां भी पढ़दी है तो धी भी सुनदी है ना तू की आना नबी नहीं सुनदा होवेगा मदीने वाली सरकार नहीं सुनदी होवेगी गौस पाक ने बाबा जी मेरे वाल देखियो दरवाजा खड़काया धी ने दरवाजा खोलिया तो इंज वेखो ग्यारहवीं वाला पीर इंज हथ बन्ने ने आए हाय 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 क्या बात है तुहाड़ी सुनन दी इधर नौजवानों इंज ग्यारहवीं वाले पीर ने हथ बन्ने ने दो तीन चार कदम चुके तो अंदर चले गए जदों धी ने वेख्या साढ़े वेड़े बाबा आ गया तो धी दौड़ के माँ दे कोल गई अम्मा जी धीए क्यों परेशान है तेनों सह क्यों चढ़िया अम्मा बार वेख साढ़े वेड़े को चिट्टी दाड़ी वाला सोहना सूरत वाला बाबा आ गया जी इधर मेरे वाल तवज्जो करो जे अंदर इश्क ना रोशन होया ते तां गल करी साडे वेड़े को बाबा आ गया ता मेरे वाल तवज्जो करो जी बाबा जी ओ मां दौड़ी अंदरू पता नहीं केड़ा बाबा आ गया बाहर सरगी वेले दा टाइम है तज्जद दी अज़ाना दा टाइम है पता नहीं केड़ा बाबा आ गया ओ जदों मां दौड़ी ना इधर मेरे वाल तवज्जो फरमायो ते वेख्या ते सामने गौस पाक हाथ बन के खड़े ने हाय 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 पीरां दा पीर पीरां दा सरदार इमामुल औलिया ग्यारहवीं वाला पीर इंज माई दे वेड़े ना बाबा जी इंज हथ बन के ना अखां बंद कीतियां ने ते बाबा खड़ा है माई कोल आ गई आखी नी धीए तू पछाणिया नहीं बाबा कौन है नहीं अम्मा मैं नहीं पछाणिया उन्हें कहा ए ही ते बगदाद दा ताजदार है क्या बात है तुहाडी नौजवानों ए ही ते बगदाद दा बोलो ए ते बगदाद दा बादशाह है ए ही ते पीरां दा पीर गौसे आजम है अच्छा अम्मा इधर मेरे वाल सुनियो माँ ने ना इंज गौस पाक दे सामने हथ बने बाबा जी खैर है सरगी वेले तो मेरी निकम्मी दी कोठरी विच मेरी कच्ची जी कुली विच बाबा इतने जुमले सुनी जे तेरे सीना ना तड़पिया ते तां गल करी हजूर गौस पाक दी अखां विच अथरू जारी ने पीरां दा पीर फरमांदा अम्मा मैनूं कुछ ना पुछ मेरी ते हसीयत ही कोई नहीं तू दस राती की करदी रही है तू दस राती की करदी रही है हुण मेरे वल तवज्जो फरमा जे ते मां ने हथ जोड़े उन्हें कहा हजूर मैं कुछ नहीं किया असी उत्थे महफल ते गए सन जिथे तुहाड़ी सदारत सी उन्हें अंदर जान नहीं दिता असी घर बह के हजूर का मिला सजा लिया ते इत्थे रो रो के दरले पाए ने ते इत्थे ही नबी नूं आवाज़ मारी है इधर इंतजामिया वाले ते बानी महफल जिथे जिथे बैठे जुमले सुने जे बाबा जी जदों माई ने गौस पाक दे सामने हथ जोड़ के अर्ज की बाबा असी सारी रात रोंदियां रहियां असी सारी रात रोंदियां रहियां असी सारी रात तरले पांदियां रहियां असी आंदियां रहियां वा कमली वाली आया जा लजपाला आया जा सोणिया तेरा जाना कुछ नहीं असा गरीबां दी कुली दा कम बन जाना है अड्डा बलोचनी विच बहण वाली अज मैं सुन जाया ने हजूर गौस पाक आंदे ने मां की अखियाई ते मई रो के आंदी है हजूर गौस मैं सारी रात तरले पाए ने इधर देखी हूं मैं सारी रात तरले पाए ने मैं सारी रात रोंदी रही हूं मैं सारी रात आंदी रही हूं है याद तेरी दा बाबा हाथ चुक के कवारी अखनी याद तेरी दा मैं दीवा नसीर साहब इंज नहीं याद तेरी कैमरामैन भाई जरा सारियां नूं चेक कर अज केड़ा केड़ा अड्डा बलोचनी विच आया मेहरबानी कैमरा घुमा के सब नूं कैच कर अज वेख केड़ा केड़ा नसीर ते वेड़े आ गए अज रो रो के आखरे आए थले पा पा के आखरे आए भैया तेरी दा क्या बात तुहाड़ी यार भैया तेरी हाथ चुको हाथ चुको याद तेरी दा आ जड़े सामने नबी दे आशिक नौजवान ने तुसी भी एक बारी नबी नूं आवाज दियो ते आखो याद तेरी दा नदीवा बालिया भैया जिथे
भैया तेरी दार नदीवा बालिया की दुनिया आमी जा आमी जा आमी जा बल्ले नज़रबा नदी पे मैं फल लग रहे हाथ सलामत रखे तुम्ही चुक चुक के प्याया नामे आमी जा बल्ले नारायण सालत नारायण सालत हामी रो रो के आंदिए आ जा सुन सुन जे बुलाया ही थे आ जा वे माही एक बारी आ जा वे सोनिया आ जा वे हसनैन दिया नानी आ जा वे सहरा दिया बाबिया आ जा आ जा फिर मुखे दिखला जा आ जा फिर मुखे दिखला जा साडे वेड़े साणा आ जा नसीर साहब तुहाडा मजमा पूरी मोहब्बत नाल समाज दा करदा पूरे इश्क नाल तवज्जो फरमाओ जी रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम गल बड़ी वड्डी है इधर मेरे वल तवज्जो करो माई दे सामने गौस पाक खड़े ने माई दे सामने इधर तवज्जो करो जी माई दे सामने गौस पाक कौन खड़े ने जिन्हों गौस पाक दी 11वीं जिहड़ा खांदा वो बोले मैनू एक मौलवी आखन लगा तुसी लंगर बड़ा खांदे हो मैं तुसी सड़दे बड़ा हो तवज्जो करो ना बाबा जी लंगर असी खाने हैं लंगर असी पकाने हैं देगा असी पकाने हैं अच्छा खर्चा भी तुहाडा बच्चों बिठाओ थले ते इन्हां कंट्रोल करो बच्चे थले बह जाओ पुत्र चुप कर जाओ गल वड्डी मैं छेड़ लई लंगर भी असी पकाने हैं फ्लैक्स भी असी लाने हैं देगा भी असी पकाने हैं ते पीड़ किसी होर नूं हुंदी है बाबा जी जिदा खर्चा होंदा उन्हूं कोई टेंशन नहीं नाल गवांडी एवें पैंदे ने किसे गरीब नूं दे छड़ने सजे फलाने नूं दे मसीते दे छड़ने सजे ते मैं कहा इत्थे तैनूं पीड़ पैंदी आउण लगे महफल विच आउण लगे मेरे वल तवज्जो करो एक मौलवी मैनूं टकरे मौलवी बड़े बड़े खतरनाक होंदे जे मैं गल सच्ची पै करदा एक मैनूं टकरे आंदा सुल्तानी साहब ए तुसीं चौलां तों क्यों लड़दे हो मेरे वल मैं दलील देंगा बाबा फिर असी भी हुसैन दे नौकर आसा तो फिर इंज नहीं ना मौलवी नूं जान दिता मेरे वल तवज्जो आंदा चौलां तों तुसीं लड़दे हो जदों महफल हुंदी है बाद विच चौल वंडे जांदे ने एक दूजे दे उत्ते डिगदे हो शैपर खोंदे हो आंदे हो मैनूं दो दही मैनूं तीन दही मैनूं चार दही इधर तवज्जो फरमाया जे गल बड़ी वड्डी है अड्डा बलोचनी वाले तवज्जो करेंगा तो फायदा होवेगा मैं कहा मौलवी जी मैनूं एक गल दसो ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਖਾਂਦਾ ਬੋਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਓ ਉਹ ਹੀ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਣੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਹੀ ਚਾਵਲ ਬੜੇ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ तो मैंने आखन चावल खाओ चावल मैं क्या नहीं रोटी कहता नहीं चावल खाओ मैं क्या क्यों कहता तुम सियालकोट आए हो कहता जो थोड़ा इलाका ना वो चावल बड़े लोग खाते हैं थोड़े इधर फैसलाबाद एडा बलोचिन सारे वेख लो चावल साड़ा जो एरिया ज्यादा पसंद करता चावल इधर तवज्जो मैं क्या चावल लोग रोजाना घरों खाते हैं तो चने वाले खाते हैं हो सकता बिरयानी भी खाते हो इतने ए चने वाले चावल ने इधर मेरे वाल तक्यो बाबा जी तो लोग लड़ते पता क्यों मैं क्या मौलवी पता क्यों लड़ते हैं ये चावलों तो नहीं लड़ते ये चावल नहीं ये मुस्तफा दी महफल का लंगर है। आए, आए।
ਇਹ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਲੰਗਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਓ ਆਹੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੋ ਮਦਨ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤੇਰੇ ਮੌਲਵੀ ਆਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਲੰਗਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਨ ਲਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਮਿਲਾ ਦੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਓ ਬਲੋਚਣੀਆਂ ਲਿਓ ਹਜ਼ੂਰ ਗੋਸਪਾਕ ਆ ਗਏ ਅੰਮਾ ਰਾਤੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮਾਈ ਨੇ ਨਾਤਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਮਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੈ ਉਹ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਏ ਫੇਰਾ ਪਾ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਫੇਰਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਉਹ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਫੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮਾਈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਬ ਕਬੀ ਤਾਰੀ ਆਈ ਹਣੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਏ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦਾ ਆਲੇ ਨਬੀ ਉਲਾਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਏ ਹਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਏ ਨਬੀ ਆਇਆ ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਇਆ ਏ ਆਓ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਣ ਵਾਲਿਓ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਰੇ ਸਰਕਾਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੀ ਅੰਮਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੱਸ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਨਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਏ ਇੱਥੋਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਇੱਥੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਇੱਥੋਂ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਨੀ ਅੰਮਾ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਏ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਖਲਾਰ ਗਿਆ ਏ ਪੂਰੇ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਏ ਇਸ ਮਾਈ ਦੇ ਵੇੜੇ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਈ ਦੇ ਵੇੜੇ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਮੈਂ ਜਾਤ ਸਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਵੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਏ ਉਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈ ਤੇ ਗੌਸੀ ਪਾਕ ਕੱਠੀਆਂ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਆਉਂਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤਾਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਡਬਲੋ ਚੁਣੀ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਤਾਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਅਰਿਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਯਾਰ ਭੱਜ ਕੇ ਹੱਥ ਬੁਲਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤਾਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਅਰਿਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜਮੇ ਦੀ ਯਾਰ ਤਾਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਅਰਿਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਇੰਜ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਪਵੇਗੀ ਜ਼ਰਾ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੱਬ ਵੀ ਤਰੋ ਦਿੱਲੇ ਰੱਬ ਵੀ ਤਰੋ ਦਿੱਲੇ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰਾਂ ਮਛਾਣ ਵਾਲਿਆ ਅਰਿਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਚਾਦਰਾਂ ਮਛਾਣ ਵਾਲਿਆ ਇੱਥੇ ਚਾਦਰਾਂ ਮਛਾਣ ਵਾਲਿਆ ਅਰਿਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਚਾਦਰ
ਦਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਵਦੋ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵਦੋ ਹਾਂ ਵੱਲੈਲੀ ਦਾ ਸਜਾ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਇਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸਰਾ ਬੀ ਅਬਦੀ ਲੈਲਾ ਤਾਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬੜੀ ਯਾਰ ਤਾਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਅਰਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਤਾਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਅਰਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਤਾਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਅਰਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਹਮਾਰਾ ਮੈਦਾ ਹਿਜਰਾ ਮੈਦਾ ਵਲਾ ਕਿਨ ਅੱਲਾ ਹਰਮਾ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਤਾਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਅਰਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਾਜ਼ੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜੇ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਈ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਪਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੋਗੇ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਜੇ ਜੇ ਤਮਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਰੋ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਸ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲੋ ਇੱਥੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਕਿ ਰੋ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਨਾ ਲਜਪਾਲ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਸਨ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੀ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਬੀ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਆਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਿਸਮੇ ਬਾਬਾ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਾਪ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰਾਣਾ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਖਿਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਚਾਚੇ ਹੋਣ ਮਾਮੇ ਹੋਣ ਤਾਏ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇ ਪਰ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਓ ਮਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਬੋਲੋ ਮਾਂ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਾਂ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਜਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਜਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਖਾਜਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਾ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਉਂਝ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਬਰੀਲ ਪਰ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਬਰੀਲ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਰਾਣਾ ਬਰਾਦਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚੋਂ ਬੰਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਇਹ ਮਾਂ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪ ਸੁਣਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਬਸਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਓ ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਬਟਨ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ
हजूर ने बटन खोल के ना तो यमन वाल मूँह करके बह जाना। ए मां दसन लगा जे मां की चीज़ है। अज लोग आते ने अम्मा तू साढ़े वास्ते की कीता है। मैं क्या तेनों जमया सू तेनों पालिया सो और की करे इस तू वड्डा और की कम हो सकता है। बाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों इधर मूँह करना ना यमन वाल तो हजूर ने इंज एंसा लैना सह लैना अंदर बार सह लैना। साहबा इकराम ने अर्ज करनी हजूर इधर मूँह करके तुसी सह लैंदे हो इधर कौन है। फरमाया इधर यमन है इधर यमन है यमन विच करन है। हजूर करन विच कौन है इधर मेरे वाल तवज्जो फरमाया जे करन विच कौन है। रब्बे काबा की कसम गल बड़ी वड्डी है जदों इना कीता ना ते नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा अज पर्दा खोलना रास तू अज राज तू पर्दा खोल दिया। इधर जुमले समाध फरमाया जे अज राज तू पर्दा खोल दिया जो इनी गल की थी ना बाबा जी साहबा ने अर्ज की हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुलामो इत्थे यमन यमन विच करण करण विच कि मेरा गुलाम वसदा है मेरा नौकर वसदा जिदा ना खाजा ओ वैसे करनी जिदा ना ओ वैसे हे करण दियां गलियां विच तुरदा है नबी नबी करदा जे बकरियां चरांदा है नबी नबी करदा है ऊंठ चरांदा है मेरा बड़ा वड्डा आशिक है मेरा बड़ा वड्डा गुलाम है हे मेरे पीछे जिंदवारी है मेरे पीछे जान वारी है। सुनो बलोचनी वालियो सहाबा ने अर्ज की कमली वाले सोने जे सूला में हजूर मदीने क्यों नहीं आता हजूर तनों मिलन क्यों नहीं आता हजूर यमन तो मदीना दूर कोई नहीं हजूर करण तो मदीना दूर कोई नहीं। आओ बाबा जुमले सुनिया रे हाजा आओ वैसे करनी कौन है मेरे नबी ने फरमाया गुलामा इधर सीना ता करना वा उस आशक दी बस्ती विचों मैनू ठंडिया खुशबावां आउंदियां जी बाबा जुमले सुने आज मैनू खुशबू आउंदी है। सहाबा ने आखिया कमली वाले सोनिया फिर तुहानू मिलण आ रही हजूर तुहाडा दीदार करन आ रही मेरे नबी ने फरमाया सहाबा ओदी मां वडेरी है आओ मां नाल प्यार करन आ लियो आओ मां नू जफे मारन आ लियो। जुमले सुने आए फरमाया ओदी मां वडेरी है ओदी मां बुजुर्ग ओदी है वैस तू बगैर रोता सहारा कोई नहीं उन्हें मेरा फरमान सुन लिया है जिन्हें महान राजी कर लिया है जिन्हें महान की सेवा कर ली है जिन्हें महान दिया खिदमत कर लिया ने ओदे ते मुहम्मद भी राजी है मुहम्मद दा खुदा भी जी बाबा जुमने सुनिया है जिन्हें महानो राजी कर लिया रे जिन्हें महानो सीने ला लिया रे कभी महानो गाली ना दिया रे कभी महानो झड़क ना मारिया रे है बलोचनी आलियो कभी मां दा दिल ना दुखाया रे कभी मां दे आंसू ना आण दिया रे है मां रोवे रब रुस जांदा रे है मां रोवे मदीने आला मुहम्मद रुस जांदा रे है मावां छावां आउंदियां रे है मावां वेड़े दा सुकून आउंदियां रे हाय मामा वेड़े दा चैन आउंदियां ने। आओ बाबा जुमने सुन जाया रे जिन्हें मां नू सताया रे उन्हें कदी सुख नहीं जे पाया जिन्हें प्यो नू सताया रे उन्हें कदी सुख नहीं जे पाया एक वेला आ गया रे हाजा वैसे करनी पे रोंदे ने हाय मां ने सीने ला लिया है। फरमाया वे पुत्रा क्यों रोया वे अर्ज की थी अम्मा मेरे अंदर पांबड़ लग गया है अम्मा मैं मदीने जाना जाना अम्मा मैं नबी नू मिलना जाना अम्मा मैं अपने महबूब नू वेखना जाना मां ने आखिया वे उवैस रोना जे मदीने जाना ही ते चला जाई वे पुत्रा मस्जिद च मिल के वापस आ जाई तेरे तू बगैर मां दा सहारा कोई नहीं तेरे तू बगैर मां दा आसरा कोई नहीं। मियां साहब आंदे ने मां मरहते माप मुकद है बलोचनी आलियो मामर ते है माप मुकद
दे हाथा वीर मरण बेड़ा वेला है बाप मरण ते नसीर सा मैनू ईमानदारी ना दसिया ने अज बड़िया दौलत आईया होनिया ने अज बड़ा माल आया होना है अज वेड़े पियो कोई नहीं अज वेड़े बाप कोई नहीं हे बाप मर है ते मोहम्मद बख्शा ते उजड़ जांदा जे ओए हाय ते उजड़ जांदा जे मेला हाजा मैं वैसे करनिया दे अम्मी जी मैं हुणे आना है अम्मी जी जल्दी आ जावा फरमाया जा पुत्रा जल्दी मदीने चला रहा आओ राणा बरादरान गलंदरू सुनिया ने हाजा वैसे करनी चल दे हे नबी दे मदीने आ गए ने हजूर दी मिट्टी चुमदे ने चुम के सीने लांदे ने कदी अखा नाल लांदे ने ते बलोचनी आलियो की आंदे तेनों चुम चुम अखां नाल इत सुनियो बलोचनी आलियो है तेनों चुम चुम अखां नाल लावा निमिटिए मदीने दिए तेनों चुम चुम अखां नाल लावा निमिटिए मदीने इत सुन तेनों चुम चुम अखां नाल लावा निमिटिए मदी बंदा अंदरू पड़े तो फिंगर कोई नहीं होनी चाहिए भावे बंदा बैठा रवे ना उठे अल्लाह की कसम उठा के आना मैं नबी नू अंदरू पी आवाज मारना एहो रो रो के आना कमली वाली आ जिमें वो वैस रोंदा रिया है जिमें तेरी नगरी विच रुलदा रिया है हाजा वो वैसे करनी मदीने की मट्टी चुम दे उन्हें बच्चिया नू सीने ला दे किसे दे हाथ चुम दे किसे दे कपड़े चुम दे मदीने दे बच्चे देने वह कौन आया है ये कौन मजनून आया है जड़ा बच्चिया दे पैर चुमदा है जड़ा बच्चिया दे हाथ चुमदा जे जड़ा मदीने दिया बच्चिया दे चेहरे पे चुमदा जे बलोचनी आलियो बच्चे पुछदे ने कौन है कितों आया है वैसे करनी दिया चीखा निकल गई ने बच्चिया दिया पैरों में चिमड़ के जफे मार ले फरमाया पुत्रो थानू मुबारक होवे तुसी बड़े खुश नसीब हो तुसी उत्थे सा लैंदे हो जिथे अल्लाह दा माही वसदा है जिथे अल्लाह दा मैं किसी नूं राजी नहीं करना मैं अपने दिल नूं राजी करना मैनूं भावें अगू बुलाओ तो भावें ना बुलाओ तुहाडी मर्जी इधर मेरे वल देखो खाजा वैसे करनी बच्चियां नूं सीने लाया सीने ला के पैर चुमे ऐ इश्क जे ऐ प्रीत जे ऐ मोहब्बत जे ते बच्चे आखन लगे कौन है साडे नाल इन्ना प्यार करना साडे नाल इन्नी मोहब्बत करना तू कौन है आप फरमाते ने मैनूं कुछ ना पुछो मेरा कोई तारफ नहीं मेरा कोई तारफ नहीं मैं कोई चौधरी नहीं बंदे महफल में भी चौधरी बनते हैं कि असि फलाव असी फलाव इतने कोई कुछ नहीं इतने नौकर ने सारे मैं मौलवी हाँ किबला साहब ने कारी साहब ने असि सारे हजूर के नौकर मैं कुर्सी पर बैठा फिर भी नबी का नौकर मैं फिर भी हजूर का गदा कर रहा अंदरू आवाज़ मारो सोना किवें ना हो सोना किवें ना करम फरमावे आ जा वैसे करनी मदीने दे बच्चों नूं प्यार किया इधर सुनियो बाबा जी अंदरू तो मैं इस तो बाद आखिरी गल कर लगा बाप दी जुमले सुनियो मस्जिद नबवी च पहुंचे पूछया हजूर कित्थे ने बावाजे बुलंद बोलिया जी हजूर कित्थे ने ए गुलाम ने आख्या तू कौन है उन्हें कहा मैनू कुछ ना पूछो मैं कौन हाँ मैनू दसो मेरा मुस्तफा कित्थे वे मेरा दिल भर जानी कित्थे वे जिहड़ा मेरे अंदर वसदा वह महबूब कित्थे वे और मेरे वल तवज्जो फरमाया जी उन्हें कहा हजूर तो बहर गए ने इधर मेरे वल तवज्जो फरमाया खाजा अवैसे करनी दो कदम चुके ना तो पिछू माँ की गल याद आ गई वो नमाजा भी कबूल नहीं होंदिया माँ नूं छड़ के नमाजा पढ़िए तो भावें हज तो टुर जाइए वह हज भी कबूल वह नमाजा भी कबूल
इंज दो कदम चुके मां की गल चेते आ गए वे पुत्र मसीतियों होके आना ही आगा नहीं हो जाना। क्या बात है अवैस तेरी, हाजा वैसे करनी किबला साउंड वाले अल्लाह तुहानू सलामत रखे। इंज वापस मुड़े ना ते रोंदियां रोंदियां जदों मदीने दी जू छड़ी ना, आए हाय जदों हजूर दी नगरी छड़ी, बाबा जी मैं उमरा करके आया, मैं किसी की गल नहीं करता। जदों बस विच बंदा बहिंदा ना मदीने पाक तो वापस, वो कहिंदे ने जी हुण तुहाडे दिन पूरे हो गए ने, हुण तुसां मक्के जाणा है फिर वापस उमरा करना जा। बाबा जी मैं गड्डी विच बैठा, ऐ तुहाडे सामने नहीं बुजुर्ग बैठे, इन्हां बुजुर्गां दी उम्र दे बुजुर्ग सन ते इक माई सी, वह पता नहीं सारी जिंदगी का माल इकट्ठा करके उमरे ते आए सन, सारी जिंदगी की दौलत उन्हें जमा पूंजी इकट्ठी की ते सोने दे रोजे ते आए। बाबा जिदे ते 5000 लगा होवे ना ते खराब हो जाए ना चीज़ ते बंदे ने दुख बड़ा होंदा कि मेरे पैसे लगे ने। वो जो गड्डी विच बैठे ना ते राणा साहब वापस आ रहे ना ते माई दी चीखां निकल गई, माई रो पई, मैं उठ के गया, मैं क्या पुत्र भी नाल कोई नहीं, दो भी माई बाबे कले आए ने, खैर होवे, मैं क्या अम्मा खैर है, कहंदी ये सुल्तानी दुआ कर मैं इत्थे मर जावां, मैं नहीं जा सकती पाकिस्तान, मैं हजूर दे रोजे तो दूर नहीं हो सकती। वो जमात अली शाह साहब कबूतर लैके आउण ते ओह ना रवे ते असी ते फिर भी इंसान हाँ, तो महफल दे विच बहण दा चाहिए ते सिख, तो हजूर नाल फरियाद करन दा तरीका ते सिख। माई दे चीखां निकल गईयां, बाबा उहनूं बाबा आंदा हौसला कर, उहने कहा नहीं पता नहीं हो अगों किसे सानू भेजना कि नहीं भेजना, आखिरी वेला होवे, सोने दा दर है, छुट चले ओ सामने गुंबद खजराई ते बाबा जी माई भी रोवे ते बाबा भी रोवे, मेरे अथरू आ गए, पूरी बस रोन लग पई उस माई ते बाबे वाल वेख के। ए तकरीर आउंदी है बंदे दे अंदर वड़े, बंदे दे दिल में सुकून आवे, इस गल सोने दी हो रही है, कोई तमाशबीनी थोड़ी है, कोई ड्रामा थोड़ा। बाबा जी वो माई ते बाबा दोवी पे रोन, पूरी गड्डी रुला छड़ी ते फिर मैं गड्डी वेच ही सोने ते रोजे वाल मुंह करके ना वो शेर पड़िया ते मैं थोड़ी सरजमीन ते देन लगा जे, बाबा जी मैं गड्डी वेच बह के नबी दे रोजे वाल चेहरा कर लिया, फिर रो रो के अखियां सदा वसदा ना पड़े, मैं किसे नु मजबूर नहीं करांगा, मैं किसे नु नहीं आखांगा, सदा वसदा रमे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह, तुसी भी रोग आखो कमली वालिया, सदा वसदा जिथे होंदे गरीबां दा गुजारा या इत्थे हुण बोलणी, जिथे जिन्ने बैठे असीं सारे नौकर आ, जिथे होंदे गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह। उस वेले मैनू राणा साहब गल याद आई है, जदों हाजा वैसे करनी मदीने की जोच बने आए हैं, हुन नबी दे रोजे वल मोह कर लिया है, हाजा वैसे करनी रो रहे ने, आंदे ने सोणिया मैं तुर चलावां तेरा मदीना छड़ चलावां, कमली वाली आ मैं तैनू वेख नहीं सकिया, पर जांदी वारी वैस आंदा है सदा वसदा रबे तेरा दवारा या। जिन्हें इश्क नाल पढ़ना एक बारी अखां बंद कर आ रे, एक बारी हाथ तो भी बने आ रे, कभी नबी दे रोजे का तसवर कर आ रे, कभी टीवी विच गुंबद खजरा वेखिया आना रे, कभी तस्वीर विच नबी का रोजा वेखिया आना रे, कभी तो भी अखां बंद कर लिया जे, हाथ बन लिया जे, आखिया जे कमली वाली आ ना सानू रोजियां ते माने, हजूर ना नमाजा ते माने, हजूर ना जकाता ते माने, हजूर ना दाड़ियां ते माने,
हजूर न मिला था ते माने एक ही मान रख के अजी बलोचनी आले रो रो के आंदे ने सदा वसदा रबे तेरा गवारा या रसूल अल्लाह जिथे जाओ वैसे कन्नी रोंदे रोंदे यमन वल टुरे मां अंदर बैठी होई हजाओ वैसे करनी मां दिया पैरां विच बह गए ने फिर अखां विच इथनो यारी आ गए मायां दी पुत्रा हुण ते मदीनियो हो के आया है हुण क्यों रोना है अर्ज कीती अम्मा जिदे वास्ते गया वा सोना मिलिया कोई नहीं कमली वाला मिलिया कोई नहीं बाबा जी महा ने पुत्र नु जपा मार लिया है फरमाया वे पुत्रा मां तन्नू पिया दिया वे वैस मां दियां सेवा करी जा वे पुत्रा मां दे पैर दबाई जा वे मां नु खाना खिलाई जा मैं तेरे नाल वादा करनी हूं वे वैस पुत्रा सारा जग मोहम्मद वल वेखेगा मोहम्मद मेरे पुत्र वैस वल वेखेगा वे पुत्र मां की खिदमत कर ए मां की खिदमत असी लाजे क्यामत दा दिन होवेगा नबी पाक अर्ज करनगे या अल्लाह मेरा वैस नहीं लभदा पिया फरमाया वैस ते ओ जन्नत च टुर गया किथे टुर गया या अल्लाह मैं वेख्या ही नहीं फरमाया जे उन्हें दुनिया तो अपने आप नूं छुपा के रखिया तो उन्हें इत्थे भी आख्या या अल्लाह इत्थे भी मैनूं किसे नूं ना विखाई एडा आजज़ी एडी इनकसारी ये मां दी शान है जिन्हें मां दी खिदमत कीती है नबी पाक उस ते राजी होए ने हुण बाप दी गल सुनो आखरी बाबा जुमले समाप्त करिया जे बाप कैसी चीज है मां दे पैरां थले ते मेरे नबी ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबुल जन्ना फरमाया जिहड़ी जन्नत तेरे मां दे पैरां थले वे ना उसे जन्नत दा दरवाजा तेरा बाप है मां दी गल सुनी जो हुण बाप दी सुनियो तो मैं इजाजत चाहवांगा अल वालिदु औसतु अबवाबुल बोलो जन्ना लोग मां नूं सीने लांदे ने प्यो नूं नहीं पुछदे मां नूं एसी वाला कमरा दिता है ते बाप नूं डेरे ते रखना यार ये ज्यादती नहीं ये जुलम नहीं इत्थे जुमले सुनिया जे राणा साहब एक साहबी मेरे नबी की कचहरी में आए तो रोन लग पे आके थोड़ा बेटा दुनिया तो गया मैं गल बेटे की सुना लगा पूरी दुनिया वेख रही वीडियो बन रही मत किसी के दिल में घर घर जाए और लोग यूट्यूब तो सुन के रोंदे ने माँ बाप की शान फेसबुक से सुन के रोंदे ने जिन्हों जिद प्यार हो रोंदा वो ही है जिन्हें बुढ़ी दी आखे लग के माँ प्यो घरों कढ़िया हो कदी नहीं रोंदे जिन्हें कदी प्यो नूं पुछिया ही ना हो अब्बा तू किस हाल में अल्लाह की कसम है जिस बाप दे बाबा जी अड्डियां फुट गई तो कोई फैसलाबाद जाता रहा कोई कितले जाता रहा किसी फैक्ट्री के बूहे अगे खलोता है मैं ईद वाले दिन जो बाबे खलोते वे ना बाबा मेरे हथों आ जाते हैं मैं ना सुल्तानी तो दुनिया को दसना ए यो प्यो खलोता ईद मनाने वास्ते लोग सऊदीया तो कार आ जाते हैं लोग बाबा जी कराची तो कार आ जाते हैं लोग कोयटा तो कार आ जाते हैं ये कड़ा नुमान है जोड़ा ईद वाले दिन कार हो के भी कार कोई नहीं जड़ा कार हो के भी कार किसी की फैक्ट्री अगे गन लैके खलोता किसी पेट्रोल पंप से बैठा है ओदा नहीं दिल करता कि मैं ईद बच्चियों में करा करदा अज राणा साहब बाबा जी खुशहाल हो गए सारा अल्लाह की रहमत है क्या इन्हों के प्यो ने कुछ नहीं किया होना इन्होंने वास्ते इन्हों की माँ ने कुछ नहीं किया होना उदू छोटे छोटे सन जो बो प्यो मेहनत करता होना जो बाप इन्हों पढ़ा होना तो आंदा होना पुत्रो मेरे होंद पढ़ जाओ जे टुर गया तो पता नहीं की बीतनी जे की होना जे ते जेडे बच्चे माँ प्यो ही नहीं छड़ के टुर जाए आखण अब्बा तेरे नाल साडा गुजारा नहीं अम्मा तेरे नाल साडा गुजारा नहीं बाबा जुमले सुन जाया जे रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है साहबी आया ना नबी पागल तो रोई जाए चुप ना करे मेरे नबी ने फरमाया तेरी अखा चथरू आ जाएंगे मेरी मेहनत कबूल हो जाएगी जे मैं अंदरू पढ़िया तेरी अखा दे आंसू आ जाएंगे मेरे नबी ने फरमाया की होया ये रोना क्यों है कहिंदा हजूर सुबह का बच्चा गुम होया लभदा नहीं पिया जेडे दुनिया तो टुर जाना
ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸਬਰ ਕਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਭਰਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਆਇਆ ਜੇ, ਅੰਮੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਇਆ ਜੇ। ऐसे वास्ते खड़ी दे ताजदार मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाइए ते मियां साहब आंदे ने वीर वीरां दे फेदर दी होंदे हाथा वीर वीरां दियां बामा माया दी होनी है भावे साई लोग अपने वीर का ख्याल करना है वे पुत्रा जदों वीर बने जावे इन याद नाल वापस ले आना है इन याद नाल अम्मा दे वेड़े ले आना है अल्लाह की कसम हुण तेरे वीर वापस नहीं आना हुण राणा साहब तेरे पुत्र नहीं आना लखां खुशियां तेरे वेड़े आ जानिया ने लखां चा तेरे वेड़े आ जाने है वीर वीरां दे ओ समान पुछ लिया जे जड़ी मां चौबी घंटे उन्हों संभाल दी आनी कदी खाना पुछ दी आनी कदी कपड़े चेंज कर दी आनी आंदी आनी नसीर ते मैनू बड़ा सोहना लगता है मैनू बड़ा लाडला लगता है इस तू प्यारा मैनू कोई नहीं ए जिहो जिहा भी है वे मेरी जान का टुकड़ा है जिहो जिहा भी है वे मैनू प्यारा लगता है नसीर दे कपड़े भी लैके आने नी हदियां जुतियां भी लैके आनियां नी इहनू इह ना लगे कि मैं जिदा मेरे नाल प्यार कोई नहीं करदा हे सिख पुत्रां दी किवें फिरौंदी होनी किवें आंदी होनी मेरे साईं आ जा फिर बगैर मां उदास हो गई फिर बगैर तेरा वीर प्यारौंदा है फिर बगैर तेरा बाबा नसीर प्यारौंदा है तेरा मामू प्यारौंदा है रो रो के आंदा एक बारी वेड़े आ जा वे सिख पुत्रां दी लाग सियाने ए मेवात बाबा जी ए मेवात बाबा जी जदों दसवीं मुहर्रम का वेला आया है एक पुत्र प्यो दे सामने आया जै जरा 18 साल का नौजवान जिदा नाम अली अकबर अपने बाबा हुसैन दे सामने आया है हज की थी बाबा मेरी इज्जत मुक जानी है हजूर ये यजीदी पे ललकार दे बाबा जी जिन्हां दे पुत्र जवान हो जान प्योवां दे सामने कई बाप नूं ललकारे पुत्र जूंदा ही मर जांदे ने पुत्र जूंदा ही मुक जांदे ने बाबा मैनूं जिंदगी नहीं चाहिए बाबा मैनूं साह नहीं चाहिए मैनूं जान दियां इजाजतां दे दियां राणा साहब अल्लाह की कसम मेरे हुसैन दियां अखां विच आंसू आ गए ने हुसैन ने पुत्र नूं सीने ला लिया है फरमाया वे अली अकबरा तू प्यो दी जान है तेरे विच बाबे दा प्यार है वे अली अकबर किवें जाएगा हज की मैनू जान दियां इजाजतां दे दियां मेरे इमाम ने फरमाया अली अकबर जी बाबा हुसैन हुक्म करिया रे फरमाया अपनी अम्मा पुफे जहान पुछ लै तेनू जैनब ने कपड़े पवाए ने तेनू पुफो ने नहलाया है तेनू तेरिया पुफिया ने प्यार किया है तेनू मां तो वध प्यार दिता है वे अली अकबर जैनब नू पुछ लै जे पुफो राजिया करबला चला जाएगा
मुसलमान जुमले समाध कर जाया रे 18 साल का मेरे इमाम का शहजादा है अज नसीब तेरा बच्चा छोटा सी 11-12 साल की उम्र वेड़े विच खेड़दा आना है तू सबज मंडी तेरा ध्यान पुत्र वाले आना है मैं जल्दी जावा अपने पुत्र को बह जावा मैनू सहेल आंदा गारी साहब सारा दिन तुहाड़ियां तकरीर ला के सुनता रहा है सारा दिन मोबाइल ते तुहाडे बयान सुनता रहा है हे पुत्र मर जान प्योवां दियां कंडां टुट जांदियां जे हे पुत्र जिहो जे मर्जी आउण बाबा जी औलाद औलाद ही आउंदी है हे पुत्र पुत्र ही आउंदे जे जनाबे अली अकबर ने जनाबे जैनब दे खैमे दे सामने गए ने हज कीती पुठो तेरा अली अकबर आया है आओ मेरिया मावा भैणा पियां रोंदियां ने अल्लाह बाबा तेरे आंसू कबूल कर ले रणसीर साहब अल्लाह तुने आंसू कबूल कर ले जदों जैनब ने आवाज सुनी दौड़ के बन्ने आया ने अपने भतीजे नु सीने ला लिया है फरमाया वे अली अकबर किवें आया है तू फे अम्मा जान दिया इजाजत लैन आया अज मेरे बाबे ते मुश्किल वेला आ गया रे अज मेरे अबू जान ते मुसीबतां दे पहाड़ टुट गए ने अज मेरे अबो परेशान हो गए ने जनाबे जैनब ने सीने ला लिया है सीने ला के फरमाया है मजलूम भतीजिया बोलत सही मैं चुमला जुल्फ जंजीर तेरी कैमरा मैन जुमले सुनियो इधर मेरे वाल करते मैं गल मुकान लगा अल्लाह तेन सलामत रखे जुमले सुनिया पति जिया बोलत सही मैं चुमला जुल्फ जंजीर तेरी है मैनो अपने बचड़े नहीं याद रहने अली अकबर भुलनी नहीं तस्वीर तेरी आओ बाबा जुमले सुनिया ने सहाबी आके रोया है हना कमली वालिया मेरा बच्चा गुम हो गया जुमले सुनियो हजूर मेरा बच्चा गवाच गया है मेरे नबी ने फरमाया ना रो आंदा हजूर ओदी मां भी रोंदी है हजूर ओदियां भैणां भी रोंदियां ने नसीर साहब शाला मरन नवीर किसे दे तेना होन निमानियां भैणां शाला मरन नवीर किसे दे तेना होन मुक गई गल शाला मरन नवीर किसे दे तेना होन निमानियां भैणां जिस भैन दा वीर न कोई उसकी दुनिया तो लैना हंदा कमली वालिया मां मर चली है हजूर ओदियां भैणां पियां रोंदियां ने हजूर ओदियां भैणां पियां तड़पदियां ने आंदियां ने बाबा साडा वीर लाया ओदी मां आंदियां मेरा पुत्र लभ के लाया मेरे नबी ने फरमाया तू प्यों है हाय प्यों बड़े दुख आंदे हाय प्यों बड़े दर्द आंदे हाय प्यों बड़िया परेशानियां आंदियां ने रब्बे काबा दी कसम जुमले समाद कर जाया रे राणा साहब जदों बाप ने रोया है मेरे नबी ने फरमाया ना रो मैं तेनों दसना तेरा पुत्र किथे मैनू ईमानदारी ना दस जाया रे ओए अड्डा बलोचनी विच बैण आ लिया अज पुत्र गुम हो जाए मावां दे सिरां तों दुपट्टे लथ जांदे ने हे जिहड़ी भैण कदी पन्ने ते दरवाजे ते नहीं जे आई ओह वी गलियां विच दौड़दी आउंदी है आंदी है मेरा वीर लभ के लै आओ हाय मां आंदी है मेरा पुत्र लभ के लै आओ मैं पागल हो जाना जे हाय मैं गलियां दे अखां विच रुल जाना जे अल्लाह दी कसम जुमले सुन जाया रे हे चढ़ विच ना ते कर रोशनाई तेरी हमद करें दे तारे ते गलिया दे विच ओए फिरन नु माणे ते लाला जे बन जा रे ते शाला कोई मुसाफिर ना होवे ते कख जिना थी बारे आओ बाबा जुमले सुन जाया रे मेरे नबी ने फरमाया सामने बाग उस बाग विच तेरा पुत्र पिया खेड़दा रे नसीर साहब जुमले सुन के अखां दे अथरू ही आ जाणगे जदों बाबे ने इनी गल सुनी है उन्हें दौड़ लाई है मेरे नबी ने आवाज मारी है फरमाया बड़ी जल्दी आ हजूर ओदी मां मर चली है हजूर ओदियां भैणां मुक चलियां ने
मेरे नबी ने फरमाया फलाने बाग में चला जा, तेरा पुत्र बच्चों में खेड़ दई। जो साहबी बाबा जी जुत्ती भी नहीं पाई है जी दौड़ ला छड़ी, पुत्र गुम हो जाए ना तो बंदा प्यो ने दसे ना फलानी मसीत अगे मैं वेखिया तो जुत्ती नहीं पाता दौड़ ला छड़ता उधर, तो दुआव करता जाता मालका उत्थे ही होवे। बाबा जी पुत्र चीज ही ऐसी है, नहीं भुलते ये नहीं जे भुलते। जवान दुनिया तो चले जान ना रबे काबा की कसम है, तो लोग आते ने प्यो न आखियो ओदी मैयत नू कंधा ना दवे। वो जिद वेड़े नाल जिद नाल वेड़ा वसदा सी है तो सीधा साधा सी पर प्यार बड़ा नसीब ना करता होना, मेरे सामने पूछ लवो प्यार माँ नाल बड़ा करता होना। जे जो ईद माँ कपड़े लैन जाती होगी ना भी सूट ना जाता नालो थी भी जुत्ती उंज दी जिवें दी लिया उंज दी ओदी, वो भी मेरा पुत्र है वह भी मेरा शहजादा है। तो प्यो कहता होना इन दाबा मार ली उन्होंने ना कुछ कही, नसीर दी अखां विच अथरू गए उन्हें। ये औलाद चीज ही ऐसी है रबे काबा की कसम है, लोग मोबाइलों से सुन के रोंदे ने। कदी पुत्र नू बाबा जी तंग ना करिया जे, ये दुनिया तो टुर जाना तो फिर मेवा नहीं जे लभदा। कदी धी नू तंग ना करिया जे, कदी बेटियां ते जुलम ना करिया जे। ए गल आखरी तो मैं मुकान लगा जे, बाबा जो मेरे नबी ने फरमाया ना उत्थे तेरा बच्चा पे खेड़दा ही तो वह दौड़ पिया जुत्ती ला के, मेरे नबी ने फरमाया बाबा रुक तो सही सबर तो कर हजूर की है। फरमाया उत्थे जाके उन्होंने पुत्र ना आखी, ए जुमले सुने उन्होंने बेटा ना आखी। उन्हें अर्ज की हजूर मेरा बेटा वे मेरा पुत्र है तो मैं की आखा। मेरे नबी ने फरमाया वह ना लैके बुलाना ही उत्थे, मते को होर यतीम ना खेडता होवे उन्होंने भी ओदी याद ना आ जाए। ओए बाप मरे सिर नंगा होवे, ओए रोण लियो मैं एहो दुनिया नू दसना वा, शाला मरन न बाप किसे दे तिन होन निमाणिया तियां, शाला मरन न बाप किसे दे ओए तियां नू बड़े आसरे आउंदे जे ए सोरिया दे कार फोन करके आंदी बाबा मैनू फ्रिज लै दे, बाबा मैनू मंजियां लै दे, प्यो पुत्रां तू चोरी चोरी किस्तां ते लै के आंदा नी तीए रोवी ना तू मेरी तीए भरावां नू ना दसी मैं तेरी जरूरत पूरी करांगा, मैं तेरियां मंजियां भी लैके आवांगा मैं तेरे बिस्तरे भी लैके आवांगा। ये अपने पुत्रां तू चोरी चोरी तियां दे समान पूरे कर लैंदे रे, किते पेटियां दियां साइयां दे के आउंदा रे, किते फर्नीचर दियां साइयां दे के आउंदा जे, किते बाबा जी तियां दा सोना बना के रखदा है। आंदा नी तीए मेरे आउंदियां ना रोवी, जिन्ना तक तेरा अब्बा जिंदा वे तेरे वेड़े आंदा रवांगा, तेरिया खुशियां पूरिया करदा रवांगा, शाला मरन न बाप किसे दे ओए रोण लियो तेरे मजमे दियां अखां नमे हो गईयां, शाला मरन न बाप किसे दे। अगले दिन बाबा जी मैनू सियालकोट बाबा मिले आए, अद्धी रात दा वेला जे सैकल चला के जा रहे आए, मैं क्या बाबा क्यों रोना है, आंदा मौलवी जी मैं दुख किनू सुनावा मैं अपने पैरां ते कुहाड़ी मार बैठा जे, मैं क्या बाबा मैनू सुना मैं दुनिया नू सुना दियांगा। आंदा मौलवी जी मेरी कोई धी सी ओए मैं उन्हों आखिया मैं तेरी शादी करनी है, मेरी धी राणी आंदी है बाबा जिवें तेरी मर्जी वे चिट्टी पगड़ी वाले आ मैं तेरे अगे इनकार नहीं करांगी, जिथे मैनू दवेगा मैं वस के वखावांगी, वे मेरे प्यो वा मैं तेरी इज्जत दे सौदे नहीं करांगी। अल्लाह की कसम बाबा जुमने सुन जाया रे, मैं बड़ी बड़ी देन लगा रे, बाबा अद्धी रात दा वेला रे सैकल तो थले उतर के रोई जा रहा है, आंदा दुआ करो मैं तीत वेड़े जान तो पहला मुक जावा, मैनू हार्ट अटैक हो जाए मेरी मैयत सड़क से डिग पवे। मैं क्या बाबा इंज दियां दुआवां नहीं करी दियां, आंदा सुल्तानी की दसां मेरी फुल्लां वर्गी धी जालमा रोल छड़ीए
सुबह भी मार देने शाम भी मार देने मैनू फोन करके आंदी बाबा तू मैनू जांदियां आख्या सी तेरी मैयत आनी चाहीदी है अब्बा मैं तेरे वेड़े नहीं आवांगी अब्बा मैं तेरी पगड़ी नू लाज नहीं लावांगी अब्बा मैं तेरी इज्जत दब्बा नहीं आउण देंगी अब्बा जे मैनू मिलना ही हो सकदा सुबह तक तेरी धी दा जनाजा उठ जाए अज आखरी वाली रात नू आके धी नू मिल ले हजी धी टुर चली आ हजी बाप दी शहजादी टुर चली आ रब्बे काबा दी कसम जुमले समाद कर जाया रे अल्लाह तोड़े आंसू कबूल करे नसीर साहब तेरा मजमा प्यार रोंदा है हे गल दर्द दिल नाल सुन जाया रे उथे मां की करदी होएगी आंदा कारी साहब मेरी बेटी ने आखिया आ जा मैं आखिया नहीं दिए की करा मैनू माफ कर दई मैनू नहीं सी पता इंज दे निकलन गे मैनू नहीं सी पता एडे जालम आन गे शाला मरन न बाप किसे दे ओए मेरिया मावां भैणां बैठियां ने शाला मरन न बाप किसे दे ते नहान निमानियां दियां है जिस दीदा बाप न कोई उसकी दुनिया तो लेना बाबा जी सहाबी दौड़दा गया रे उन्हें वेखिया पुत्र सामने पिया खेड़दा है उन्हें पुत्र नो बेटा आखन लगा नबी दी गल याद आ गई उन्हें ना लैके बुलाया रे उहदा पुत्र मिट्टियां ते पिया खेड़दा है जदों वेखिया मेरा प्यो आ गया रे जदों वेखिया मेरा अबू आ गया रे हे एडा बलोचनी विच बहन आ लिया उन्हें दौड़ लाई है अबू दियां पैरां नू चिमट गया है हदे यार आंदे ने कौन आया है आंदा मेरा अबू आया है मेरा बाप आया है शाला मरन न बाप किसे दे हे जिंदा होवे ते पते लैन चला जांदा है ईदा आउण दे पुत्रां नू आंदा जे जाओ पैणा नू ईदा दे के आओ जाओ मेरियां बेटियां नू शबरा दे के आओ हे तुहाडे वल वेंदियां ही होणियां ने मेरा वीर आवेगा अज मेरा अबू आवेगा अज मेरा बाबू लावेगा 500 रुपया ई दे के आवी अल्लाह दी कसम है गली विच सारिया नू दसेगी जे सहेलियो मेरा वीर आया सी अज मैनू ईद दे के गया रे अज मेरा चिट्टी दाड़ी वाला बाबल साइकिल ते आया है अज आके मैनू ईद दे के गया रे अज आके मैनू जफा मार के गया रे अल्लाह दी कसम है बलोचनी वाले वे तिया नू वखरे प्यार आंदे ने वे तिया नू प्यावां नाल वखरियां मुहब्बतां ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਓ ਦਾ ਵੇੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਡਾਕੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਲੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਲਾ ਮੈਂ ਟੁਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਟੁਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਜਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ ਆਂਦੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦਵਾਈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਜੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਸੇਫ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਟੁਰ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਵੇੜਾ ਛੱਡ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਬੂ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਆ ਜੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਟੁਰ ਚੱਲੀਏ ਹੇ ਬਾਬਲਾ ਤੇਰਾ ਵੇੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬਾਬਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਆਂਸੂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਵੇ ਬਾਬਲਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੀ ਏ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬਾਬਲਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਵੀ ਸੁਣੋ ਬਲੋਚਨੀ ਆਲਿਓ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਵੀ ਬਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ
बजावें अल्लाह सोने करम कमावें बा मेरे नौ जन्नत बजावें बाबला होंदियां ने यादा मैनू तेरियां वे बाबला होंदियां ने यादा मैनू अल्लाह पाक दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ करना जी अल्लाह मेरा पढ़ना थोड़ा सुनना अपनी पाक बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए ते करीबन पौने दो घंटे हो चले ने जो मैं पढ़िया जो तुसां सुनिया अल्लाह उन्हें अपनी पाक अदालत अंदर कबूल फरमाए अल्लाह जिहड़े रोए थोड़े आंसुआं दा सदका अल्लाह इस महफल नूं दर्जा कबूलियत अता फरमाए जे मेरी गल कोई मंदी लगी तो माफ़ करिया जे मैं अंदरों पढ़िया मैं किसी वास्ते नहीं पढ़िया मैं अपने महबूब वास्ते पढ़िया थोड़ियाँ अखां दे अथरू आ गए ये महफिल कबूल है मियाँ साहब आंदे सन हिजर ते राजे पानी मंगे ते खूह नैना दे गेड़ा जी करदा तैनू सामने बैठा के दर्द पुराने छेड़ा हुण दरूदो सलाम दा एक शेर होएगा उस तो बाद इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी खड़े हो जाओ